सूरा मेरे मज पम्मा डठन बिर मनी सिखा पदिंग समाधियानी। ये जो भंते जी यहां बैठे हुए हैं और इनके हाथ में जो ये सत्तक दंड है, ये भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का, सिद्धार्थ बुद्ध का, तथागत का, वेदंत गु का, वेदंत पारगु का हजारों नाम है बुद्ध के। ये उनका आदेश जो विनय पिटक में लिखा हुआ है, आप विनय पिटक को, बच्चा जरा बंद कर दो इसको, बच्चों शांत शांत हो जाओ। जो विनय पिटक है उसमें लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ हम आपको, यानी संघ आपको भेज देगा अगर किसी को चाहिए। उस विनय पिटक में जो भिक्खु थे उन्होंने ये निवेदन किया सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से कि जब हम जाते हैं रास्तों में तो हमको जानवर परेशान करते हैं, कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हम पे ईंट पत्थर फेंकते हैं, कई बार हमको दिक्कत होती है, तो हमको सुरक्षा का कोई दंड दिया जाए। दंड माने होता है दया, माने देना, और दया माने डंडा, यानी किसी को डंडा दिया जा सके उसको दंड बोलते हैं। तो बुद्ध ने सत्तक दंड उनको देने के लिए अलाउ किया, ये विनय पिटक में लिखा हुआ है। पर साथ में ये कहा कि 11 प्रकार की मूठ इसमें बना सकते हैं, जिसमें सोने चांदी की मूठ नहीं बना सकते, उसमें लाख की, हाथी दांत की, और समय जो जो भी चीज़ थी, और कई प्रकार के सत्तक दंड बना सकते हैं। ये बुद्ध ने अलाउ किया, इसलिए जितने भी भारत में आज के समय जो ऐसे भगवा कलर पहने हुए लोग हैं, क्योंकि भगवा कलर तो बुद्ध का है, उनको भगवा बुला करते थे, पर जो लोग हाथ में डंडा या छड़ी या जो ऐसा जिसको भुजदंड बोलते हैं, यानी भुजा के बराबर दंड, वो सारे के सारे जितने भी दंड हैं वो बुद्ध के आदेश से मिले और वही परंपरा चलती है। ये जो सत्तक दंड है अपनी सही जगह आज आया हुआ है, ये भिक्कों के पास पहले था, रहता था, इसको साजिश करके हटाया गया, पर कुछ लोगों ने रख लिया। पर हम जैसे साधारण लोगों के लिए सारे हथियार अलाउ थे, दंड तो हमको रखना ही चाहिए, और हम दंड रखते थे। हर व्यक्ति हमारा जब भी घर से बाहर जाता था उसके पास उसका अपना दंडा, अपनी लाठी होती थी। इसलिए नागपुर के अंदर ये नियम पास हुआ कि जितने भी संगी हैं वो अपने साथ में सत्तक दंड रखेंगे, अपनी कार में जाएंगे वहाँ सत्तक दंड रखेंगे, अपने घर में रखेंगे, और जब कभी संगति होगी तब सत्तक दंड रखेंगे, रात में अगर कभी आएंगे जाएंगे तो सत्तक दंड रखेंगे। और जो लोग फुल टाइमर बन चुके हैं, जो 24 घंटे संघ का काम करते रहते हैं, उनको सत्तक दंड रखना चाहिए। कुत्ते दूर रहते हैं, जानवर दूर रहते हैं, और सत्तक दंड पकड़ने से बड़ा बल मिलता है, एक भरोसा रहता है कि कोई मुसीबत आएगी तो उसको सामना कर सकते हैं। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं, चीवर बोलते हैं इसको, चीर से बना हुआ है चीवर, ये सिर्फ भिक्कुओं का होता है। इसका रंग भी जैसा ये रंग है और भी तरह का रंग हो सकता है, जो पेड़ की छाल से, फूलों से, पत्तियों से रंगे जाते थे, ये विनय पिटक में नियम है। तो भिक्कु सारे आज भी थाईलैंड के अंदर पेड़ों की छाल से, फूल पत्तियों से अपने चीवर को रंगते हैं, जंगल में वो वहां से रंग लाते हैं, रंगते हैं। इसको भगवा कलर बोलते हैं क्योंकि इसको दुखों को भग्न करने वाला व्यक्ति पहनता था, जो बुद्ध थे उनको भग्नवान बोला करते थे, तो उनके कपड़े को भगवा करके बोला करते थे। ये रंग वहां से चला है, उससे पहले पूरे भारत में ये रंग नहीं हुआ करता था, भगवा बोलते हैं। बुद्ध ने सारे जितने भिक्खु थे उनके संग में, क्योंकि उनका धम्मिक संघ था, भिक्खु संघ जो था वो धम्म को सिखाता था, तो उन्होंने सबकी शक्लें एक सी कर दी, सबके बाल हटा दिए, मूछ दाढ़ी हटा दी, और सबको एक सा चीवर, एक सा कपड़ा दिया। उसके बाद जितने भी दुनिया में जिन लोगों ने भी संघ बनाए, उन लोगों ने अपने संघों में कपड़े अलग तरह के रखे पूरी दुनिया में। आज भी जो ये चीवर है,
दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 13 प्रकार का चलता है। इसको वहां रॉब बोलते हैं, मंक का रॉब, हम इसको चीवर बोलते हैं, वो चीवर भी बोलते हैं। और जो अलग अलग और लोगों आए जिन्होंने अलग मत चलाए या संघ चलाए, वो लोग भी ऊपर से नीचे तक का लबादा या रॉब या चोंगा इस तरह का पहनते हैं। ये प्रचारकों की एक खास तरह की कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है ताकि अंदर जो उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है उसका समाज के ऊपर कोई खराब प्रभाव ना पड़े, शरीर पूरा ढक जाए, और कोई कपड़े पहन के भी अगर बात बताता है तो उसका कपड़ा एक सा रहे। इसलिए नागपुर के अंदर ये तय हुआ कि आज के बाद से, यानी नागपुर के बाद से, हम लोग जो भी यहाँ बैठेंगे और जो संघ को संबोधित करेंगे, वो समण संगी जो हमारा परिवत है, परि माने चारों तरफ लपेटा हुआ और वत्थ माने वस्त्र, तो हम समण संगी परिवत पहनेंगे। हम चीवर नहीं पहन सकते, क्योंकि चीवर जो होता है वो भिक्कु पहन सकता है, जो धम्म सिखाएगा वो पहन सकता है। हम धम्म नहीं सिखाते, हम सामाजिक नियम सिखाते हैं, हम संघ के नियम सिखाते हैं, इसलिए हमारा ये वाला चलता है। क्योंकि उपासक सारे के सारे सफ़ेद रंग के कपड़े पहना करते थे पहले, और भिक्कू अलग रंग के पहना करते थे। भंते जी को यहाँ इसलिए बैठाया है क्योंकि हमारे समर संघ में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे संत हैं उनका एक स्थान एक स्टेप ऊपर रहेगा, इसलिए भंते जी थोड़े से आगे हैं और मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना, जब कोई संत आए, कोई भिक्कु आए, कोई भिक्कुणी आए, तो उनको एक स्टेप ऊपर बैठाना चाहिए, और अगर एक स्टेप ऊपर ना बैठाओ तो थोड़ा आगे करके बैठाना चाहिए। उनको चाहे आप कुछ कहो ना कहो, पर उनको सम्मान देना समण ग्रंथ की ड्यूटी है, वहाँ लिखा हुआ है, इसलिए उनको देना चाहिए। वो हमारे सारे संत हैं, इसलिए ये सत्तक दंड चलेगा अब के बाद से। और ये जो समण संगी परिवत है, ये सबको अपना अपना बनवाना पड़ेगा। ये सैंपल के लिए आया है, इसमें समण संघ वाले जो भी इसमें चेंज करेंगे, हाउस में जो भी चेंज होगा, जैसे पास होगा उसके बाद में ये मिल जाएगा, और आप अपने अपने साइज का इसको बनवा सकते हैं। अगर कोई साइज का ना भी बनवाए तो उसको यहाँ मिलेंगे, वो पहन के यहाँ बोलेगा। इसे पहन कर बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस इसलिए होता है कि ऐसा लगता है कि हमें हमारे समर संघ होने का, संगी होने का, हमारे इतने सारे लोगे होने का एक अस्तित्व प्रदान होता है। अभी तक हमने औरों के ही देखे, अभी तक हमने औरों को पहने हुए देखा, हमने देखा कि और जो संघ के लोग हैं वो इसको पहनते हैं, जब उनके कार्यक्रम होते तो बड़े बड़े चोंगे वो पहनते हैं। पर आपने देखा होगा कि समण संघी यानी समण जो लोग हैं वो चोंगा नहीं पहनते, क्योंकि उनके चोंगे छीन लिए। ये सम्मानजनक कपड़ा होता है। पूरी दुनिया में वन पीस ड्रेस जो होती है, एक ही तरह की बनी हुई जो ड्रेस होती है एक सी, और जो इसको वो लोग जो बताने वाले हैं पहनते हैं, वो हमारे यहाँ से विलुप्त हो गई, जबकि थी हमारे भिक्कुओं की थी। इसलिए हम भिक्कु नहीं बन सकते क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, पर हम काम भिक्कुओं वाला करते हैं। इसलिए सफ़ेद रंग का ये जो समर संगी परिवत है ये चलेगा। और इसको पहन के देखिए, ये जो सत्तक दंड है इसको हाथ में लेके देखिए, इसको फोटो खिंचवा के देखिए, इसके साथ में आपको गर्व की अनुभूति होगी। आपको लगेगा कि आपके अंदर 100 हाथियों का बल आ गया है, ऐसा महसूस होता है इसे पहनते ही कि 100, क्योंकि ये संघ का वत्थ है, ये पूरे संघ का है, तो लगता है जैसे संघ का पूरा बल आ गया। ये ठीक ऐसे है जैसे पुलिस वाला अगर अकेला भी कहीं होता है और वो कहीं जा रहा होता है, अगर उसके पास उसकी बढ़ती है तो कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो जो बढ़ती है वो खाली खाकी कपड़ा नहीं होता, वो पूरे डिपार्टमेंट की शक्ति लेके चलता है। अगर आपने उस पुलिस वाले को कुछ कह दिया, कुछ उसको तुमने कुछ नुकसान पहुंचा दिया, कुछ उसको डंडे वंडे मार दिए, कुछ चोट पहुंचा दी, तो वो तो मारा जा सकता है, वो तो पिट जाएगा, पर उसका जो शक्ति बल है पूरा डिपार्टमेंट, वो आपको छोड़ेगा नहीं। वैसे ही सेना का होता है, सेना में जो सैनिक होता है उसकी जो वर्दी होती है वो खाली कपड़ा नहीं होती, वो जो रंग होता है मिलिट्री कलर का, वो पूरी सेना का बल उसके साथ चलता है। इसलिए उसका सीना हमेशा चौड़ा रहता है और वो अकड़ के चलता है। इसीलिए पुलिस वाले अकड़ के चलते हैं, इसीलिए समर संगी भी अकड़ के चलता है, इसीलिए भिक्कु भी अकड़ के चलते हैं। भिक्कू कभी आपने झुक चलते हुए नहीं देखे होंगे, क्योंकि भिक्कू का जो चीवर है वो खाली अकेला भिक्कू नहीं है, पूरी दुनिया के जो लाखों करोड़ों भिक्कू हैं वो धम्म और वो भिक्कू साथ चलते हैं। पर समर संघ में क्या है, समर संघ के आदमी को, समर आदमी को कोई कहीं पीट दो, कोई मूछ काट दो, कोई बाल काट दो, कोई पेशाब कर दो, कोई हत्या कर दो, कोई बलात्कार कर दो, कुछ पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बिखरा हुआ है,
जो शक्ति है वो अलग अलग बिखरी हुई है और शक्ति एक साथ नहीं है, इसलिए शक्ति नहीं है, वो विपत्ति है। बेसिकली हम अलग अलग पिट रहे हैं क्योंकि हम साथ नहीं हैं। अभी यहाँ किसी ने मुझे बताया कि आज एक कार्यक्रम अमरोहा में और है। मैंने पूछा कौन कर रहे हैं, तो बताया कि भंते सुमित्र रत्न ने एक रथ एक बस बनाई है और वो संविधान को लोगों को 1 करोड़ संविधान देंगे। फिर मैंने पूछा कैसे देंगे, खरीद के देंगे, उनके पास इतना पैसा 1 करोड़ संविधान, क्योंकि संविधान अगर थोक में छपाओगे तो बड़ा संविधान बड़े साइज का 70-80 रुपए का पड़ता है, तो अगर 1 करोड़ है तो इसका मतलब 70-80 करोड़ रुपए चाहिए छपाने के लिए, क्योंकि हम संघ में काम करते हैं, संघ में जीवन दिया हुआ है। हमारे पास कभी ऐसा नहीं होता कि हम कभी 1 लाख 2 लाख कोई समग्र छपा दें, लोग जितना मांगते हैं जितना पैसा वो देते हैं उतना छप जाता है, उनको मिल जाता है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि वो जो संविधान है उसको कैसे करेंगे। तो संविधान का उन्होंने बताया कि जी वो ऐसा सिस्टम उन्होंने बताया है कि आप उनसे संविधान खरीदो 500 रुपये में और फिर उनको वापस कर दो। तो मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, 500 रुपये आपने उनको दिए, आपको कुछ मिला नहीं, संविधान आपने लिया फिर उन्हीं को दे दिया, तो संविधान घर घर कैसे पहुंचा? तो ऐसे तो मैं 100 करोड़ संविधान बांट दूंगा, 100 करोड़ लोग आए, 100 करोड़ लोग संविधान एक एक करके लें और दें। फिर मैंने कहा उस 500 रुपये का क्या होगा, क्या और संविधान छपेंगे? क्या जी 500 रुपये का तो पता नहीं, इसका तो हिसाब है नहीं। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई रथ तो एक दिल्ली में भी तैयार हुआ था, जो राजेंद्र पाल एडवोकेट मंत्री रहे पुराने, उन्होंने भी रथ बनवाया। उस रथ में और उनके कार्यक्रम में सुमित रत्न भी गए थे, वो रथ खाली पड़ा हुआ है, चलता नहीं है, वहाँ खड़ा खड़ा उसमें जंग लग रही है। तो रथ ही अगर बनवाना था तो उनका ले लेते, वो भी धमका काम करते हैं, ये भी धमका काम करते हैं, तो क्या दोनों के धमके काम में अंतर है? क्या दोनों अलग अलग हैं? क्या दोनों के बुद्ध अलग अलग हैं? क्या दोनों अलग अलग लोगों को बुद्धिस्ट बनाएंगे? क्या राजेंद्र पाल गौतम अलग से बुद्धिस्ट बनाएंगे और भंते सुमित्र अलग से बनाएंगे? क्या दोनों के अकाउंट एक नहीं है? क्या अकाउंट धम का नहीं है? ये सवाल मैंने पूछे, बोले जी हमें तो इसकी जानकारी है नहीं। भाई जब आप समाज में रहते हो और आप समाज में चाहते हो कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, आप चाहते हो कि हमारी मुसीबतें टल जाएं, फिर अगर अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं और एक ही काम करते हैं तो आप उनसे पूछते क्यों नहीं हो कि आप अलग अलग काम क्यों कर रहे हो, इस अलग अलग काम करने से फायदा होगा या नुकसान होगा इसको कौन पूछेगा? अगर 20 राजनीतिक पार्टियां हैं और अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और 20 की 20 राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं 2024 फतेह करना है, मिशन 2024, 2024 में हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, भाई जब सबको 2024 की चिंता है तो तुम सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारी एक मीटिंग हमने समाज में नहीं देखी कि जब तुम्हें 2024 की कोई चिंता हो, राजनीतिक रूप से बता रहा हूं, तो इकट्ठे हो जाते, पूरे देश के जितने लोग थे वो इकट्ठे हो जाते जो समलों के थे, पर नहीं हुए। वैसे ही बामसे वाले जितने लोग हैं, बामसे वाले लोगों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग बामसे क्यों चलाते हो, अलग अलग चंदा क्यों लेते हो, क्या फायदा है इसका? जब आपका मिशन एक, मोमेंट एक, और जब आपका बनाने वाला एक है जिसको आप मान्यवर काशीराम कहते हो और उनकी इज्जत भी करते हो, फिर उनके काम को तोड़ते क्यों हो, फिर उनके काम को बिखेरते क्यों हो? अलग अलग बामसेफ का मीटिंग लगा के अलग अलग लोग टूटेंगे या नहीं टूटेंगे? अलग अलग बामसेफ बनाओगे तो अलग अलग कार्यकर्ता बनाओगे, तो अलग अलग ग्रुप बनाओगे, तो क्या उन ग्रुपों में दोस्ती होगी या दुश्मनी होगी? अगर दोस्ती होगी तो अलग अलग क्यों हैं, और अगर दोस्ती नहीं है तो साइड की बात है कि दुश्मनी है इसलिए अलग अलग हैं। तुम एक के यहाँ आते नहीं, दूसरे के यहाँ जाते नहीं, कभी एक साथ बैठते नहीं, कभी एक साथ बैठ के देखा नहीं। वैसे ही हमने लड़कों से पूछा कि अरे इतने सारे दलबल बनाते हो, अलग अलग संतों के नाम पे बनाते हो, तो क्या संतों ने कहा था कि अलग अलग बनाना? क्या संतों ने कहा था कि अलग अलग रहना? क्या संतों ने कहा था कि हमको अलग अलग कर देना? ये जितने हमारे समणों के संत हैं, ये सारे संत यही कहते कि इकट्ठे हो जाओ, और तुमने संत ही अलग अलग कर दिए। तुम आपस में लड़ने लगे कि मेरा संत कबीर है, मेरा संत रविदास है, मेरा संत गाडगे है, मेरा संत नामदेव है,
मेरा संत बौद्ध भिक्खु है, मेरा संत बुद्ध है, मेरा संत सतनामी है, मेरा संत घासीदास जी है, गुरु घासीदास है, मेरा संत हरचंद ठाकुर है, ये कैसी बात हुई? संतों ने तो कभी नहीं कहा कि हमको अलग अलग करना। फिर आपने संत अलग अलग क्यों कर दिए और अलग अलग चंदा करते हो और अलग अलग संतों को मानते हो और संतों की बात नहीं मानते? तो संतों को मानने वाले लोगों ने भी हमको नहीं बताया क्या कारण है क्या नहीं है। तो ये सारी की सारी समस्या जो अलग अलग चल रही है, इस समस्या पे चिंतन और विचार करने के बाद में हमने ये हिसाब लगाया कि आखिर ये जो लोग हैं ये कभी एक थे या नहीं, या ऐसे ही टुकड़ों में टूटते आ रहे हैं। सतेंद्र मोहन जी, मेरा ध्यान जा रहा था। तो आखिर क्या कारण है? क्या कभी पहले कभी एक वेग थे भी या हमेशा से टूटते चले आ रहे हैं? तो हम जब हिसाब लगाने बैठे तो हमने ये पाया, अरे भाई 500 साल पहले तो इस भारत में एक भी सिख नहीं था, एक भी सिख नहीं था, क्योंकि गुरु नानक का जो बर्थ है वो 500-550 साल पुराना है, और जो उनके बाद में 10 गुरु आए उन्होंने जो सिखिज्म बनाया सबसे लास्ट वालों ने, तो 500 साल पुराना सिखिज्म है। इसका मतलब पूरी दुनिया में सिख नाम ही नहीं था कहीं से, सिख नाम की कोई कम्युनिटी नहीं, कोई मत नहीं, कोई समुदाय नहीं। फिर देखा कि भाई ये जो कबीरदास जी हैं या जो रविदास जी हैं इनका कब से है, तो इनका भक्ति काल से पता चलता है कि ये अभी 700 साल पुराने रहे हैं। 700 साल पहले एक भी भारत में ना कोई रविदास जी था, ना कोई कबीरदास जी था, और ना कोई गुरु घासदास था, ना ही कोई गार्ड के साहब का मालिक था, क्योंकि गार्ड के साहब का तो बाबा साहब के साथ है। तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले ये क्या थे? जब यहाँ गुरु घासीदास ही नहीं, जब यहाँ कबीर साहब ही नहीं, जब यहाँ रविदास ही नहीं, तो रविदास ही कैसे हो गए? तो बोले भाई इसका मतलब ये है कि 700 साल पहले चलते हैं कि वहाँ कौन था, और थोड़ा पीछे जाके चले हम तो पता चला कि इस पूरी पूरी धरती पे, यहाँ भारत के अंदर या पूरी धरती पे 2000 साल पहले कोई 1400 साल पहले कोई मुसलमान भी नहीं था, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 1400 साल पुराना है, तो कोई मुसलमान ही नहीं था पूरी दुनिया में, एक भी मुसलमान नहीं। 1400 साल पहले मुसलमान वहाँ उन्होंने ईमान लेके आए, मुसलमान बने और यहाँ 7वीं सदी में यहाँ आए थे। तो इसका मतलब यहाँ कोई मुसलमान भी नहीं था, पूरे भारत में नहीं, दुनिया में नहीं। तो और थोड़ा पीछे चले तो पता चला कि जो जीसस हैं यानी कि ईसा मसीह हैं, उनका जो जन्म है वो अभी क्या चल रहा है 2024, तो 2024 साल पहले का था, उनके जन्म से चलता है डेट। तो 2024 साल पहले कोई यहाँ ईसाई भी नहीं था, कोई ईसा भी नहीं था। तो और थोड़ा पीछे चले तो पता चला है कि ये जो बुद्ध और महावीर हैं इनका जन्म 2600 साल पहले हुआ, यानी 2600 साल पहले कोई जैनी भी नहीं था और कोई बुद्ध भी नहीं था, कोई बुद्धिस्ट नहीं था। और ये जो अंबेडकर राइट हैं ये तो अभी 100 साल की बात है, ये तो सब आप जानते हो, या जो काशीराम वाले हैं जो काशीराम को अपना संत मानते हैं वो तो अभी की बात है, वो सब आप जानते हो। तो बुद्ध और महावीर जैन से पहले हम क्या थे, भारत क्या था? यहाँ उर्दू नहीं क्योंकि मुसलमान नहीं, यहाँ इंग्लिश नहीं क्योंकि ईसाई नहीं, यहाँ संस्कृत नहीं क्योंकि संस्कृत भाषा बाद से आई है, बाद में बनी है, भाषा हमारी पाली रही है। तो आखिर हम लोग थे कौन? इस सवाल का जवाब जब हम ढूंढने निकलेंगे और आप भी जब ढूंढोगे तो आपको एक छोटी सी लाइन मिलेगी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कि ये हमारी जितनी संघर्ष है, जितनी लड़ाई है, वो दो लोगों के बीच में है। एक बोलते हैं ब्राह्मण संस्कृति और एक बोलते हैं श्रमण संस्कृति। इस बात को अगर कोई मना करता हो तो हाथ उठा दे। अगर बाबा साहब की इस बात को कोई मना करता हो कि जो बाबा साहब ने ये बात लिखी है कि दो संस्कृतियों का झगड़ा है, दो लोगों का झगड़ा है, एक श्रमण और एक ब्राह्मण, कोई हाथ नहीं उठा, इसका मतलब बाबा साहब ने जो बात लिखी है सच है, नहीं तो जाके इसको विद्वान बता देंगे, वो भी यही कहते हैं पूरे भारत में। तो ब्राह्मण का तो आपको पता है, ब्राह्मण तो आपको जगह जगह दिखाई देता है, पर आप जितने लोग हो अगर आपसे ये पूछें कि भाई वो श्रमण संस्कृति वाले लोग कहाँ गए, क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? ब्राह्मण तो दिखाई देता है पर श्रमण संस्कृति वाले कहाँ गए? जब बाबा साहब ने बात लिखी है और वो बात सच है और वो झूठ नहीं है और दो संस्कृतियाँ हैं और आप खुद भी कहते हो कि ब्राह्मण तो 3% है, तो 97% लोग कहाँ गए?
आप खुद कहते हो कि ब्राह्मण 15% ये मिला लो जो उसकी विचारधारा में है, तो 85% लोग कहाँ गए? तो सिरमण शब्द इस्तेमाल नहीं करते हमारे लोग। हमारे लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? खटीक, पासी, धासु, धानुक, चमा, चूड़ा, चुट्टा, पुट्टा, पता नहीं 6700 नाम है, मुझे तो याद नहीं रहते, पर मुझे एक नाम याद रहता है, सिरमण। कोई मुझसे पूछता है कि आप कौन हो, तो मैं कहता हूँ भाई तू कौन है, तो वो कहता है जी हम तो ब्राह्मण हैं, तो हम कहते हम सिरमण हैं। कह रहा जी आपकी जात क्या है, तो मैं पूछता भाई तेरी जात क्या है तू बता दे, तो कह रहे हमारे अंदर तो जात नहीं होती। ये बात सच है, ब्राह्मण में जात नहीं होती, तो हम कहते हम तेरे बाप हैं, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं होता, बस एक ही शब्द है सिरमण। और हम इसलिए बाप हैं क्योंकि नाम हमने तेरा दिया है। तो कह रहे तुमने नाम कैसे दिया है? कह रहे नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो नाम था पुराना वो था समण पाली में, जिसको संस्कृत करके सिरमण बोलते हैं, और समण का मतलब होता है समता में रमण करने वाले लोग, जो कि भारत में सारे थे। और वम का मतलब होता है विपरीत लोग, समता के विपरीत वम। तो तुम लोग जब बाहर से आए गोरे गोरे सफ़ेद रंग के, जिनको हमने अवर्ण कहा, अवर्ण मतलब जिनका रंग नहीं था, तो नाम हमने दिया, हमने कहा कि तुम वम लोग हो, तुम्हारी भाषा उल्टी, तुम्हारा क्रियाकलाप उल्टा, तुम्हारी संस्कृति जीरो, तुम्हारे पास कोई कल्चर नहीं, कोई संस्कृति नहीं, तुम्हारा रंग सफ़ेद, तुम्हारी हाइट पतली नाक के छोटे से ऊपर से आए पहाड़ों से, तुम्हारे बाल हमारे उल्टे, हमारे काले तुम्हारे अलग तरह के, तुम्हारा रीति रिवाज उल्टा, हमारा कल्चर समता पे आधारित, तुम्हारा कल्चर जो तुम लेके आए साथ में वो कैसा, लड़ाई पे आधारित। तो हम पाली में वम बोलते थे, वम माने उल्टी, वमती, जैसे कहते वम आ रही है, ओ कहते वम आ गई, वम इसको वम आ रही है, यानी उलट उल्टी। तो हमने नाम दिया वमता में रमण करने वाले उल्टे लोग, उल्टे तरह की कल्चर वाले लोग, उल्टे तरह की सभ्यता वाले लोग। तो बाप कौन हुआ? जो नाम रखता है। तो नाम किसने रखा? जोर से बोलो, नाम किसने रखा? किसने रखा? तो हम कौन है? और जब बाप अपना पता भूल जाए और अपना नाम भूल जाए तो क्या बन जाता है? नौकर। देश चला गया, कल्चर चली गई, भाषा चली गई, महापुरुष चले गए, जमीन चली गई, खेत चले गए, जानकारी चली गई, राजा की जो पदवी थी वो चली गई, सेनापति की पदवी थी वो चली गई, ये विश्वगुरु की पदवी बची हुई है जो बुद्ध के नाम है, ये भी खिसकने वाली है। तो बहुत सारे वमण जो इसको लेने की कोशिश में रहते हैं पर वो कर नहीं पाते, क्योंकि बुद्ध ने कभी अपने आप को वमण नहीं कहा, हमेशा महासमण कहा। ये थोड़ी मुश्किल होती है कि बुद्ध को महावमण कैसे कहें, वो तो महासमण हैं। इसलिए ये ओरिजिनल भाषा का नाम है। अगर आपको ये पुरानी भाषा में समझ में आता है समण, बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आता तो सिरमण तो समझ में आता ही है। तो सिरमण का मतलब होता है समता में रहने वाले लोग। सिरमण में और समण में सिर्फ श्रेय का अंतर है, श्रेय मण और सय मण। ये श्रेय शब्द हमारा नहीं है, ये श्रेय शब्द बाहर के लोगों ने आके बदला, सय को श्रेय कर दिया, पर इसका अर्थ भी बदल दिया साथ में। उन्होंने श्रेय से श्रम बना दिया और श्रम करने से कह दिया कि हम श्रम करने वाले लोग हैं और हम जीवन भर श्रम करें, हम राजा लोग हैं, सम्राट अशोक की संतान हैं, महासमण बुद्ध के वंशज हैं, हम जीवक जैसे डॉक्टर की संतान हैं, हम जो सुदत्त जैसा व्यापारी जो पूरी दुनिया को चलाता था उसकी वंशज हैं, उसकी संतान हैं, बहुत विशाल सभ्यता के मालिक हैं। और उस सभ्यता का नाम है समण सभ्यता, समण कल्चर। ये समण संघ पहले भी था और ये समण संघ आज भी है। पहले कब था? जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की वो किताब पढ़ोगे भगवान बुद्ध और उसका धम्म, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम ने 21 साल की उम्र में अपने शाक्य समण संघ में प्रवेश किया और उसके नियम माने, तो वहाँ से और उससे पहले से चला आ रहा है समण संघ की। बहुत सारी बातें हैं,
यहाँ किताब रखी हुई है, एक समण ग्रंथ रखा हुआ है 25 रुपए में, 25 में छपता है, 25 में मिलता है। कम से कम 4-4 लेके जाना, अपने रिश्तेदारों को दे के जाना। समण कल्चर के सारे प्रश्नों के जवाब उसमें हैं। जो प्रश्न आपके यहाँ हो वो यहाँ पूछें। और जो समण संघ है वो साल में 6 महीने में 3 महीने में सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे, बच्चे सब आते थे, महिलाएं आती थी, पारिवारिक संगति होती थी। वो संगतियों का दोबारा से कल्चर, दोबारा से सभ्यता वापस आ गई है। जैसे ये आज की संगति हो रही है तो अभी तो पढ़ाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि समण क्या है, कल्चर क्या है, ये क्या है, तो खुशी नहीं मना पा रहे ज़्यादा। पर वहाँ दिल्ली में जो 11 फरवरी 2024 को है वहाँ ज़्यादा भाषणबाजी नहीं होगी, वहाँ पर समझाना कम होगा, मौज मस्ती ज़्यादा होगी। परिवार के साथ आना है। एक व्यक्ति का खुद का खाने का खर्चा, बैठने का खर्चा, बिजली पानी टेंट वगैरह लाइट वगैरह दिल्ली का थोड़ा महंगा होता है, ऑडिटोरियम का खर्चा सब कुछ मिला के 350 रुपये है एक आदमी का। और अगर 10 साल से 18 साल का कोई बच्चा है, हमारा युवा है, तो उसके आधे पैसे हैं 175 रुपये। और छोटा बच्चा 10 साल से छोटा है तो मात्र 25 रुपये उसके हैं। ये टिकट कटवा के जाना यहाँ, क्योंकि पूरे देश से और दुनिया से लोग आ रहे हैं और सबको अपने समण परिवार से मिलना है। तो कहेंगे भाई मिलके क्या होगा, मिलके आपकी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। आपके विश्वगुरु, आपकी सत्ता, आपकी फैक्ट्री, आपके खेत, आपके खलियान, आपकी इज्जत, आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपकी एजुकेशन, आपकी सुरक्षा मिलेगी। आपकी जमीन जायदाद, होटल मालिक, बैग बाग, सबकी सुरक्षा मिलेगी। क्यों सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि जिनके पास संख्या होती है संविधान उनकी बात मानता है। संविधान का एक नियम है कि संविधान में आप कुछ भी करा लो संविधान से, पर संविधान कहता है कि मेरे को 51% संख्या चाहिए। संविधान ये नहीं कहता कि आप MLA MP बन के आना, ये नहीं कहता। संविधान कहता है 51% लोग चाहिए मुझे, लोग। क्योंकि जब 2 अप्रैल 2018 को आपका नियम ठीक हुआ, जो एट्रोसिटी एक्ट का बदला था, तो कहीं पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। पार्लियामेंट में जो नेता थे वो खिलाफ थे, ब्यूरोक्रेट खिलाफ थे, जुडिशरी खिलाफ थी, पर सड़कों पे जब संघ आ गया तो नियम बदल गया। वैसे किसानों के जो 3 नियम हैं जो बनाए, वो पार्लियामेंट ने बनाए थे, जनप्रतिनिधियों ने बनाए, MP MLA ने बनाए थे, पर किसानों को पसंद नहीं आए। और जब वो इकट्ठे होकर सड़क पर आ गए तो संविधान को पता चल गया, तो वो नियम हट गए। वैसे ही जब भारत को आज़ादी मिली थी तो आज़ादी कहीं पार्लियामेंट में नहीं मिली हमको, सड़कों पर जब सारे लोग आए और ये नारा लगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और सबने उनका काम करना बंद कर दिया, सहयोग कर दिया, तो उनको लगा कि अब यहाँ सरकार नहीं चल सकती, तो वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के गए इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संघ में आ गए। तो संघ जहाँ से होता है सारे नियम वहाँ से बनते हैं। तो जो आप चाहोगे वो हो जाएगा अगर आप इकट्ठे होगे तो, और अगर आप इकट्ठे नहीं होगे तो इस बार जड़ से साफ हो जाओगे, जड़ से साफ हो जाओगे। छोटी सी बात बता के ख़त्म करूंगा, फिर आपके सवाल जवाब आएंगे, वो सब बताएंगे संगी। क्यों ख़त्म हो जाओगे? क्योंकि रोजगार के नाम पे आपके पास में सिर्फ सरकारी नौकरी बची थी और वो चली गई, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। आपके बच्चे पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, घर बेच के, कपड़े बेच के, खाना बेच के, पेट काट के, पर नौकरी नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जात को देख के नौकरी देते हैं। तो हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं, हमारी कोई फैक्ट्री नहीं, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? खेत हमारे जा चुके हैं तो खेत में काम कैसे करेंगे? विदेश में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं तो विदेश जाके पॉसिबल नहीं है कि हम विदेश में जाके सेटल हो जाएं। दुकान हमारी चलती नहीं जात के आधार पे, क्योंकि दुकान पे जैसे जात का लेबल लगता है और दुकान पे आप जात छुपा नहीं सकते। बड़े शहर में तो फिर भी चल जाती है थोड़ी बहुत, छोटे शहर में नहीं चलती। तो दुकान व्यापार आपका चल नहीं सकता। तो खाओगे क्या? हॉस्पिटल सारे बिक रहे हैं तो बच्चों का इलाज कैसे कराओगे? प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कूल हो गए हैं तो पढ़ाओगे कैसे? काम नहीं होगा तो इलाज कैसे कराओगे? इससे क्या होने वाला है? इससे होने वाला ये है कि जब कोविड जैसी बीमारी आती है तो जैसे 70-80 लाख लोग मर गए भारत के अंदर, वैसे ही लोग मर जाएंगे, उनके पास दवाई भी नहीं पहुंचेगी, इलाज भी नहीं पहुंचेगा, और काम मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये मशीनें आ रही हैं।
मशीनें काम खा रही हैं, तो मशीनों को ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं है। तो जब ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता नहीं है तो जो सबसे निकम्मे, सबसे बेकार और सबसे कमज़ोर लोग होंगे वो मारे जाएंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा कमज़ोर, निकम्मे तो नहीं है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग हम हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चे का इलाज कराने हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल वाला 4 लाख मांगेगा, हम अपना घर बेच के दे देंगे तो फिर रहेंगे कहाँ, चोरी करके देंगे तो पुलिस मार देगी, पैसा नहीं होगा तो बच्चा मर जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट किलिंग। इनडायरेक्ट मतलब सीधे सीधे नहीं मारा जाएगा, अपरोक्ष मारा जाएगा। और वो चल रहा है काम, वो काम चल रहा है। कुछ सुसाइड कर लेंगे, कुछ अवसाद में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ उग्र होंगे, वो हमला करेंगे तो लड़के जेल चले जाएंगे। पर बच सकते हैं, बच इसलिए सकते हैं क्योंकि संविधान साथ है, और संविधान उसकी बात मानता है जो संख्या में उसके पास पहुंचते हैं। संविधान को इस बात से मतलब नहीं है कि आप लूले हो, लंगड़े हो, अफसर हो, नेता हो, पैसे वाले हो, गंजे हो, या फलाने हो या ढलाने हो, आदमी हो, औरत हो, स्त्री हो, भिक्खू हो, कोई फर्क नहीं, उसे संख्या चाहिए। आपके पास बहुत जायदाद हो सकती है, बहुत बड़े अफसर हो सकते हो, पर आपका एक ही वोट है। कोई बहुत गरीब हो सकता है, उसके पास खाने की रोटी पड़ी ना, उसका भी एक वोट है। ये संविधान की खूबसूरत बात है, पर यह तभी तक काम करेगी जब तक आप इसका इस्तेमाल करने लायक रहोगे। अगर इसका इस्तेमाल करने लायक नहीं रहोगे तो फिर ये संविधान भी आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए आपको जुड़ना चाहिए दिन रात दिन रात। तो जुड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि सारे संगठनों को कहना चाहिए ये जो सत्तक दंड है इसको ले जाके कि इकट्ठे हो जाओ बे, और जब तक तुम इकट्ठे नहीं होते हम चंदा नहीं देंगे और ना पैसा देंगे, और तुमको इकट्ठा होना पड़ेगा। ये जितने धम्म के चल रहे हैं, मतों के चल रहे हैं, सब इकट्ठे हो जाओ। जितनी राजनीतिक पार्टियों चल रहे हैं सब इकट्ठे हो जाओ। जितने लड़कों के दल वाले हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ। जितने सरकारी कर्मचारियों के हैं वो सब इकट्ठे हो जाओ, और फिर आपस में इकट्ठे हो जाओ सब, और जल्दी इकट्ठे हो जाओ, देर मत करो और नाटक मत करो ये जो कर रहे हो। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो नहीं इकट्ठे होते हैं तो हम इकट्ठे हो जाएं। और अच्छा ये रहेगा कि हम दोनों तरीक़ों पर चलें, उनको भी कहते रहे कि इकट्ठे हो जाओ और हम भी इकट्ठे होते चले जाएं। तो जिनको बात समझ में आती है वो समर संघ में अपना नियम चेक करें, समर संघ को देखें, समर संघ को पढ़ें, सवाल करें, जवाब करें। समर संघ अच्छा लगता हो तो लग जाएं इसमें, क्योंकि पहले भी जीते थे, फिर जीतेंगे गारंटी है। और जिनको बात समझ में नहीं आती है वो यहाँ सवाल पूछें, जवाब पूछें, और जब तक पूछते रहें, जब तक पूछते रहें, जब तक उनके सवाल का जवाब ना मिले। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
शरणं शरणं गच्छामि।